हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बारश्याम प्यार। मैं प्रणव आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल बारश्याम प्यार से करता हूं बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को। आज हम जानेंगे हम जो बार्स करते हैं कैल्शियम विटामिन मिनरल जो भी हो हम जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम होममेड मतलब कि नेचुरली टाइप से कैसे बनाएं। देखिए मेडिसिन तो बार्स के लिए अच्छा है लेकिन हम जब मेडिसिन हमारे बार्स को प्रोवाइड करते हैं उसका देने का तरीका थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि हम लोगों को पता नहीं चलता सही से कौन सा बार्स को क्या रिक्वायर है और कितना रिक्वायर है। तो आज हम जो बनाने जा रहा है वो बिल्कुल ही नेचुरली है और उनको हमारे बार्स को देने से कुछ भी इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये ज़्यादा हो या कम हो जाए उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेडिसिन तो अच्छा है लेकिन मेडिसिन अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग उनका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है जैसे कि विटामिन ज़्यादा देने से लूज मोशन वगैरह हो सकता है। तो चलिए आज हम जानेंगे कैल्शियम मिनरल जो हमारे बार्स को बहुत ही ज़रूरी होता है वो हम घर में कैसे बनाएं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कुछ मिट्टी मैंने लिया एक बर्तन में। ये बिल्कुल ही जो नॉर्मल मिट्टी है वही है, जहाँ आपका पेड़ वगैरह होता है वहाँ से आपको लेना है। वो जगह थोड़ा साफ होना चाहिए और इसको लेके पहले डस्ट कर देना है, मतलब कि पूरा डस्ट नहीं। देख सकते हैं ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा रहना चाहिए। पूरा के पूरा डस्ट हो जाएगा तो हमारे बार्स जो है वो खाने के लिए पसंद नहीं करेगा। बार्स कोई भी बार्स हो वो छोटा छोटा टुकड़ा रहे तो उसको काट काट के खाना पसंद करता है, पूरा डस्ट हो जाएगा तो वो नहीं खाएगा, उसको ख़राब कर देगा और वो नहीं खाएगा तो हम जो उसके लिए इतना मेहनत करके तैयार किया उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो देख सकते हैं ये कुछ मिट्टी मैंने लिया और उनका छोटा छोटा टुकड़ा भी कर दिया बहुत अच्छे से। जितना भी मैंने मिट्टी लिया पूरा की पूरा जो छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया। देख सकते हैं मिट्टी तो एक खनिज पदार्थ है, इसमें बहुत सारे मिनरल रहता है और इसमें से हमारे बार्स को बहुत सारे मिनरल भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये देख सकते हैं ये कुछ अंडे का छिलका है, मतलब कि जो अंडा है मतलब एक जिसको बोलता है उसका बाहर का कुछ छिलका है, मतलब आउटसाइड का जो कवर रहता है वही है। इसको पहले आपको अच्छे से धो के और धूप में सुखा लेना है और उसके बाद ही यूज करना है। इसमें बहुत सारे कैल्शियम रहता है आप लोगों को शायद पता ही होगा और यहाँ से आपके लिए बार्स या पैरट्स के लिए बहुत सारे कैल्शियम मिल जाएगा। इसको अच्छे से धो के सुखा लेने के बाद इसको छोटा छोटा टुकड़ा कर देना है और इनके साथ मिला देना है। तो मैं इनको छोटा छोटा टुकड़ा कर रहा हूँ, अभी बिल्कुल छोटा छोटा कर देना है ताकि आपका बार्स को खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत बड़ा भी नहीं रखना है और पूरा डस्ट भी नहीं कर देना है, इसको छोटा छोटा टुकड़ा कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप, अभी ये तो हो गया, चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो हम लोगों को चाहिए वो है कुछ काठ कोयला। काठ कोयला मतलब कि जो लकड़ी होता है काठ का, उसको जलाने के बाद जो चीज़ रहता है बचता है वही है काठ कोयला। और ये देख सकते हैं कुछ काठ कोयला है मेरे हाथ में और ये बिल्कुल ही हल्का है, ये बहुत ही हल्का है और ये जितना हल्का होगा उतना ही आपके बार्स के लिए अच्छा होगा। और इसमें बहुत सारे कार्बन रहता है, ये कार्बन का सोर्स है और इसमें से बहुत सारे कार्बन आपका बार्स या पैरट्स को मिल जाएगा। जो कार्बन फास्फोरस रिक्वायर होता है हमारे बार्स के लिए वो यहाँ आपका बार्स को मिल जाएगा। इसको भी ले लेना है और छोटा छोटा टुकड़ा करना है। मैं तो छोटा छोटा टुकड़ा करके ही रखा हूँ इसीलिए मैं डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ। ये कुछ काठ कोयला मैंने लिया, चलते हैं उसके बाद। उसके बाद जो हमको चाहिए वो है कुछ कैटल फिश बोन, मतलब ये तो हम लोग कैल्शियम के लिए हमारे बार्स को हर टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। और मैं कुछ कैटल फिश बोन मतलब जिसको समुंदर का फैना बोलता है वो कुछ मैंने डस्ट कर लिया। अब देख सकते हैं मतलब कि पूरा डस्ट नहीं करना है, इसको भी हम छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे, मतलब कुछ डस्ट भी रहेगा और कुछ छोटा टुकड़ा भी रहेगा। देख सकते हैं आप,
और ये भी कुछ मिलाना है इसके साथ। ये कुछ मैंने छोटा छोटा टुकड़ा किया था, वही पूरा की पूरा जो है मैंने मिला दिया इसके साथ। इसमें से बहुत सारी कैल्शियम मिलता है हमारे बारसिया पैरट्स को, ये कैल्शियम का सोर्स है, ये बहुत सारी कैल्शियम इसके अंदर रहता है। इसको भी हम मिला दिया। और इसके बाद जो हमको चाहिए वो है कुछ झिनुक का पाउडर, मतलब ये देख सकते हैं ये कुछ झिनुक का पाउडर है, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ झिनुक क्या है। ये देख सकते हैं ये झिनुक बोलता है, ये समुंदर में बहुत ही रहता है, समुंदर में पाया जाता है ये। और इसका पाउडर जो मैंने अभी यूज किया इसका ही पाउडर है, तो इसको इसका पाउडर मिल जाता है बहुत आसानी से, तो इसको हम यूज करेंगे इसके साथ। देख सकते हैं ये कुछ झिनुक का पाउडर है, और इसको भी मैंने छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया। इसके साथ कुछ झिनुक का पाउडर मैं मिला रहा हूँ, इसमें भी बहुत सारे कैल्शियम रहता है, आयरन रहता है, और इसमें से हमारे बार्स को बहुत सारे कैल्शियम और आयरन मिल जाएगा आसानी से। और इसको भी अच्छी तरीके से धो लेना है, और उसके बाद जो सनलाइट में मतलब धूप में अच्छे से सुखा लेना है, उसके बाद ही यूज करना है। कोई भी चीज़ हो पहले उसको अच्छे से धो लेना है, फिर उसको अच्छे से सुखा लेना है, उसके बाद ही यूज करना है। उससे आपका बार्स या पैरट्स को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, मतलब कि आपका बार्स और पैरट्स को कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इफेक्ट से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद इसमें जो मिलाना है वो है ब्लैक सॉल्ट, वो तो आप सब लोगों को पता ही होगा ब्लैक सॉल्ट क्या है। ये ब्लैक सॉल्ट देख सकते हैं आप, मैंने तो यही यूज कर रहा हूँ, ये पाउडर वाला ब्लैक सॉल्ट। और एक टाइप का भी ब्लैक सॉल्ट मिलता है टुकड़ा टुकड़ा वाला, ब्लैक कलर का बिल्कुल होता है वो आपको मिल जाएगी, तो आप उसको यूज करना, क्योंकि इससे अच्छा वो ही है। मेरे को तो वो नहीं मिला, इसलिए मैं यही यूज कर रहा हूँ, इसमें भी काम चल जाएगा। ये ब्लैक सॉल्ट है, और इसमें बहुत सारे आयरन रहता है, हमारे बार्स को यहाँ से बहुत सारी आयरन भी मिल जाएगा। इसको कुछ मिला देना है इसके साथ ब्लैक सॉल्ट। तो फिलहाल तो अभी सब कुछ दे दिया मैंने, अभी इनको अच्छे से मिक्स करना है, तो मैं तो अच्छे से इनको मिक्स कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से इनको मिक्स करना है। तो देख सकते हैं इसमें मैं सब कुछ डाल के मिला दिया, और अच्छे से मिला रहा हूँ अभी, देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से मिल गया, मतलब अच्छे से इनको मैंने मिला दिया। इसको अच्छे से मिला लेना है, इसके बाद देखिए ये बिल्कुल तैयार है अपने बार्स को प्रोवाइड करने के लिए। देख सकते हैं इसमें मिट्टी है, अंडा का छिलका है, काट कोयला है, और समुंदर का फेना मतलब कैटल फिश बोन है, और जो ब्लैक सॉल्ट है, और जो झिनुक का पाउडर वो भी है। तो ये पूरा की पूरा जो मतलब बार्स को रिक्वायर होता है जो जो चीज़, मतलब कैल्शियम बोलिए या फिर आयरन बोलिए या फिर मिनरल बोलिए, कुछ भी हो अपने बार्स के लिए हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो वो बिल्कुल ही सही रहेगा। और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल ही है, और नेचुरल का कोई भी चीज़ बार्स के लिए ख़राब नहीं होता। मेडिसिन भी बहुत अच्छा है, मैं मेडिसिन को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को पता था कि हमारे जो बार्स होता है उसको क्या रिक्वायर है और कितना रिक्वायर है, इसीलिए हम तो अपने हिसाब से ही बार्स को प्रोवाइड करते हैं मेडिसिन वगैरह। लेकिन इनको हम देंगे तो बार्स उनका पसंद के जो है, मतलब उनको क्या चाहिए और कितना चाहिए उनका पसंद के हिसाब से वो लोग खा लेंगे। मैं तो कहूँगा मेडिसिन से बेहतर होगा हम अगर ये हमारे बार्स को प्रोवाइड करेंगे तो, ये हमारे बार्स को हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो हमारे बार्स जो है बहुत अच्छे से खाएगा, उनका हेल्थ भी बहुत अच्छे से रहेगा। जो कैल्शियम की शॉर्टेज की वजह से जो प्रॉब्लम होता है एक बाइंडिंग वगैरह, और जब चीक्स निकलता है उनका पार वगैरह नहीं आता है अच्छे से, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और
और जो प्रॉब्लम है उनका सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और बार्स को जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस है, मतलब कि बार्स जो ब्रीडिंग करता है उनका ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी अच्छा होगा और चीक्स भी अच्छे से मतलब बड़ा होगा। चीक्स एक्सपायर होने का चांस भी नहीं रहेगा क्योंकि एक ही चीज़ से बार्स को हर चीज़ मिल जाएगा, मतलब जो इसको जो उनको ज़रूरत होता है वो सारे के सारे हमारे बार्स को मिल जाएगा। तो मैं तो मेरे बार्स को ये हफ्ते में 2 दिन देता हूँ। इसके लिए एक सेपरेट जो मतलब एक सेपरेट पॉट रखता हूँ और उसमें ऐसा थोड़ा थोड़ा करके डाल देता हूँ। तो वीक में 2 बार देता हूँ और ये एक दिन रह भी जाए तो वो लोग नहीं खाए तो दूसरा दिन भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें से कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आता है। तो ये बहुत ही अच्छे है अपने बार्स के लिए, आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं। ये कुछ आसान तरीका मैंने बता दिया, ये जो सारे तरीका मतलब जो सारे चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाया वो बिल्कुल अपने घर के अंदर ही मिल जाएगा। जो वेस्टेज होता है उनमें से बन जाएगा आपका बार्स का कैल्शियम और मिनरल और विटामिन और आयरन का मेडिसिन। तो इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, अपने बार्स जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही ब्रीड अच्छा ब्रीड करेगा। तो मैं तो मेरे बार्स को देता हूँ ये, आप लोग भी ट्राई करके देखिए। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नया टॉपिक के साथ नया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे। वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपेयर हो जाएगा, उसको भी दबा देना ताकि आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए।